उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर से कोलकाता जैसी वारदात सामने आई है, जहां एक नर्स से रेप और लूटपाट के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नर्स 30 जुलाई से लापता थी। मृतका की बहन ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, साथ ही महिला के फोन का IMEI नंबर सर्विलांस पर लगाया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जो उसके पीछे पीछे जाता हुआ दिख रहा था। पुलिस टीम को सर्विलांस से पता चला कि फोन के IMEI नंबर की लोकेशन UP के बरेली में है। तुरंत ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर पता चला कि उसका फोन आरोपी की पत्नी खुशबू इस्तेमाल करती है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि उसका पति धर्मेंद्र भी फोन का इस्तेमाल किया करता है। दोनों मौके से फरार मिले, जिसके बाद पुलिस ने धरपकड़ के लिए टीम लगा दी और फोन की लोकेशन को देखते रहे। जांच के दौरान पुलिस को धर्मेंद्र की लोकेशन राजस्थान के जोधपुर में मिली। पुलिस टीम ने उसे मंगलवार को पकड़ लिया और देहरादून ले आई। 30/7/2024 को 30 तारीख की रात को एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है, काम करके घर जा रही थी। उसका घर बिलासपुर में डिबडिबा गांव में, तो वहां पर एक मकान बना रखी थी उसने, तो वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिक थी वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिबडिबा क्षेत्र में उतर रही है एक ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है उससे भी आगे 1.5 किलोमीटर के बाहर, तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को। तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया, वो लाश उस महिला का ही निकला, बहुत सड़ी गली कंडीशन में था। तो इसी बीच में हमको बहुत अच्छा लीड मिला हाल ही में, जिसमें महिला का फोन चल गया है, उस महिला का फोन राजस्थान में चलने की सूचना मिली, और बहुत शातिर अपराधी है, कभी स्विच ऑन करता था कभी स्विच ऑफ करता था। और इसी दौरान हमको एक व्यक्ति भी दिखा, गहन अध्ययन पर हमको सीसीटीवी में जो है, जो महिला जब चल रही थी उसके काफी देर बाद पीछे से एक और व्यक्ति जाता हुआ दिखा, उसको हमने संदेहास्पद नजर से देखना शुरू किया, उसको हमने प्राइम सस्पेक्ट माना, उसकी ट्रेस आउट किया। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र, मूल रूप से बरेली का रहने वाली है, मजदूरी का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी और लेबर का काम करता है, बेसिकली लकड़ी और बल्ली पंटी का काम करता है। उसने ये देखा अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिबडिबा में महिला जा रही है, पीछा करता हुआ गया। उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा, तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसका, उसी का चुन्नी होता है वो स्कार्फ बोलते हैं ना, स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया, इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। इस मामले में SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी धर्मेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।